हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक सप्लाई स्क्रीन बनाई थी, जिसमें हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एक रैंडम जो है हमें पासवर्ड जनरेट करके देगी। तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसका फ्रंट एंड पे आज सेकेंड पार्ट है, और इसके बाद थर्ड पार्ट में हम इसका जो बैक एंड बनाएंगे, और बैक एंड बनाने के बाद उसके बाद जो एक लास्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसको लोकली जो है सेव करवाएंगे लोकल डाटाबेस के अंदर यूजिंग हाइव बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और उसको एक दफ़ा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जी, तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वाला ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर ठीक है, ओके। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। वैल्यूज़ वाला फोल्डर हमारा भी एम्प्टी है, तो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ भी रखता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों के लिए। जस्ट एक दफ़ा इसकी एनालाइजिंग कंप्लीट हो रही, तो इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। और मैं साथ में हमारा जो एमुलेटर है मैं वो भी रन कर लेता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, वो उसकी एनालाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया था इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो इसकी एनालाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, और यहाँ पे ये इसको ओपन कर देता हूँ हमारे एमुलेटर को साथ में। तो वैसे तो इसका बेटर वे यही है कि इसको मैं शॉर्ट कर दूँ थोड़ा सा, और इसको जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। तो साथ में हम कोड करते रहेंगे, और साथ में ये हमारा जो एमुलेटर है वो साथ में भी विजिबल रहेगा, वो उसकी कुछ हो रही है मैपिंग वगैरह। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए पासवर्ड जनरेटर हमने लिखा था, और इस तरह का काम हमने किया था। ओके, तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्ट्रिंग्स की एक फाइल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग्स, और एक फाइल बना लेता हूँ मैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, हमारे पास जो लिंक्स होंगे वो हमारे यूज़ होंगे वैल्यूज़ के अंदर सारे को। अब मैं एक जगह एक्सपोर्ट कर लूँगी, इससे ये क्या होता है, हमारा 80 to 60% जो होता है वो एक्सपोर्ट्स के जो लिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो सप्लाई स्क्रीन से आगे जो है हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहले मैं स्ट्रिंग्स की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं जूम इन कर देता हूँ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्ट्रिंग्स, क्योंकि ये मेरी क्लास है, क्लास स्ट्रिंग्स। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी भी करनी है, डॉट और इसका ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको आप लोगों ने कर देना प्राइवेट, और सेमी कॉलन, क्योंकि हमने इसके कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं स्प्लैश वैल्यूज़ का नाम लिख दूंगा, स्प्लैश वैल्यू इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो हम लोगों ने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये वाला लिखा हुआ है पासवर्ड जनरेटर, इसको मैं कट करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेमी कॉलन लगा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या हो जो आ जाएगा एक्सपोर्ट, यानी कि मेरे वो वाली फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे हम स्ट्रिंग्स डॉट, तो वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, स्प्लैश स्क्रीन पे हम क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट वैल्यूज़ वैल्यूज़ डॉट डॉट। तो यहाँ पे अब मेरे पास स्ट्रिंग जो होगी वो जो मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा होगा स्ट्रिंग्स के अंदर, क्या नाम है, स्प्लैश वैल्यू, हम स्प्लैश वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्ट्रिंग्स डॉट स्प्लैश वैल्यू कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग्स के अंदर जो स्प्लैश वैल्यू वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। तो इसको हम दोबारा हॉट रीलोड कर लेते ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओ सॉरी, कंप्लीट रीस्टार्ट इसको एक दफ़ा करना पड़ेगा, हमें हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये वो चीज़ वैसे ही पासवर्ड जनरेटर जो है काम कर रही है, उसके बाद ये हमारी नेविगेट कर रही है होम स्क्रीन पर। ठीक है, होपफुली जो प्रीवियस हमने काम किया वो आपको समझ आ गया होगा। अब ये आ गया होम स्क्रीन, यहाँ पे हमने सेंटर में ये हमने सब कुछ लिखा हुआ था,
इसको मैं कर देता हूँ बॉडी, इसको करता हूँ जस्ट अ सेकेंड, इसको करता हूँ क्लोज और यहाँ से रिमूव। सबसे पहले हमें चाहिए होती है ऐप बार, ऐप बार, और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ ऐप बार। ऐप बार सेट करने के बाद ओके, यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे ये कॉन्स्ट को हमने रिमूव करना होगा तो हमारा ऐप बार का एरर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे एक टाइटल हमें रिक्वायर होता है, टाइटल के अंदर हम पास कर देते हैं टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट के अंदर जो है हम पास करेंगे पासवर्ड जनरेटर। ये देखिए अब मैंने सेम एज इट वही चीज़ दोबारा लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्लैश वैल्यू ये वाली चीज़ मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं किस तरह यूज़ करूँगा, सेम एज इट वैसे ही जैसे मैंने पहले काम किया है, मैं होम स्क्रीन पे आऊँगा और यहाँ पे इम्पोर्ट वैल्यूज वैल्यूज ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी बजाय स्ट्रिंग्स डॉट स्प्लैश वैल्यू ओके, तो ये क्या इशू, एड कॉन्स्ट ठीक है, इसको वो बोल रहा है कॉन्स्ट आप सेट कर दें ओके, और यहाँ पे आप हम बोल देते हैं इसका सेंटर टाइल, सेंटर टाइल यहाँ पे आप पास कर देंगे, ये एक बुलियन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ट्रू या फॉल्स ओके। तो अब मैं ज़रा इसको हॉट रीलोड करके देखता हूँ, तो मेरा ये होपफुली यहाँ पे ये आ जानी चाहिए ओके। इम्पोर्ट आर्ट ये हमने क्यों कर ली ओके ठीक है, अब मैं ज़रा हॉट रीलोड करता हूँ, तो ये देख रहे हैं पासवर्ड जनरेटर जो है ये हमारा आ गया, ये बैक बैक पे हम ये बैक स्क्रीन, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं ओके। तो वो बैक क्यों आ रहा था, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्क्रीन चेंजर और मेन स्क्रीन कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने एक बनाया था मेन स्क्रीन, एक स्क्रीन चेंजर जो है हमारा मेथड वो बनाया था, और यहाँ पे मैं अगर स्क्रीन चेंजर के अंदर आ जाता तो इसको ये और नेविगेट, ये है नेविगेटर डॉट पुश, हमने पुश नहीं करना, पुश एंड रिप्लेस डॉट पुश यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड ये आ गया रिप्लेस, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, हमने इसको रिप्लेस करना है ऑन ओल्ड राउट नहीं जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक और इसका है पुश नेविगेटर डॉट डॉट पुश रिप्लेसमेंट, हाँ पुश रिप्लेसमेंट क्या करेगा, वो जो प्रीवियस स्क्रीन है उसकी जगह पे इसको रख देगा, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको दोबारा हॉट रीलोड कर लेता हूँ, हॉट रीड को लोड करने के बाद एक दफ़ा ये वाली स्क्रीन है वो क्या करेगा, ये एक टाइम के बाद अब वो वाली स्क्रीन जो है उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद उसकी जगह पे इस स्क्रीन को रख दिया। मीन वाइल मैं आपको तो एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है स्क्रीन्स ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है ए, एक मेरी स्क्रीन है ए स्क्रीन और एक मेरे पास है बी स्क्रीन, तो ये क्या कर रहा है कि ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है, ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर ये एक दूसरी स्क्रीन है, वो क्या करता है जो नेविगेटर डॉट है पुश है वो क्या करता है, ये वाली स्क्रीन पड़ी रहती है इस स्क्रीन के ऊपर ये वाली स्क्रीन रख देगा, मतलब मेरे पास एक लेयर है और उस लेयर के ऊपर एक और लेयर रख देगा। इस चीज़ को हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना पेंट का यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए ओके। तो ये पेंट है हमारा ओपन कर दिया मैंने, ये मेरे पास है एक मेरी स्क्रीन वन और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए स्क्रीन ओके, तो एक ये स्क्रीन है और दूसरी स्क्रीन को जो पुश करता है वो क्या करेगा, ये वाली स्क्रीन ऐसे रहेगी, इसके ऊपर वो वाली दूसरी स्क्रीन रख देगा बी स्क्रीन, वो ये वाला काम करेगा, ये क्या काम करता है इसके ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ पुश वर्क ओके। एंड जो रिप्लेस वाला काम करता है वो किस तरह करता है कि ये मेरी है एक ए स्क्रीन है और इसको मैं ज़रा कलर कर दूँ
पिंक कलर कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी है ए स्क्रीन। ओके, इसका कलर ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए स्क्रीन। ठीक है, ये मेरी ए स्क्रीन है। और सेकेंडली जब वो आएगी इसके ऊपर, जो सेकेंड स्क्रीन आएगी, तो वो ये क्या काम करेगा, मैं इसी चीज़ को दोबारा रिलो यूज़ कर लेता हूँ ये, और इसके अंदर मैं कलर जो है वो मैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं कलर क्या कर देता हूँ, वो सेकेंडली क्या करेगा, ये वाली स्क्रीन में ये वाला कलर कर देगा। ठीक है, और जो प्रीवियस स्क्रीन होगी हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई होगी, ये पता नहीं मेरे ख्याल में बड़ा किस तरह होता है, तो वो इसको क्या करेगा, सारे को ये जो एरिया है इसका, वो वाली स्क्रीन को ये क्लीन कर देगा, साफ़ कर देगा, वो वाली स्क्रीन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये वाला काम किस चीज़ के थ्रू हो रहा है, हमारा पुश रिप्लेस में। ओके सॉरी, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और ये काम किस चीज के थ्रू हो रहा है, पुश रिप्लेसमेंट। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी पुश स्क्रीन, पुश और रिप्लेस के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन चेंजर है और ये है पुश एंड रिप्लेसमेंट के थ्रू इसको मैं कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसके अंदर इसी तरह के एक और फंक्शन बना दूंगा, इसको बल्कि मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, स्क्रीन चेंजर, इसका नाम मैं कर देता हूँ न्यू स्क्रीन सेटर, तो ये आप लोगों को समझ लग जाएगी। ठीक है, इसका नाम मैंने कर दिया न्यू स्क्रीन सेटर। तो ये अब क्या करेगा, ये पुरानी वाली स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देगा और नई स्क्रीन को हमारे पास ये नेविगेट कर देगा। ओके, तो इसके बाद हमें ये हमारा होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन के अंदर, ठीक है, ये हमारे टाइटल वगैरह आ गए। अब इसके बाद हमें रिक्वायर होते ही है बॉडी। ओके, बॉडी, और बॉडी के अंदर मुझे चाहिए कॉलम, जस्ट अ सेकेंड, कॉलम की बजाय हम रैप विजेट यूज करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा काम अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसको चाहिए होते हैं चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के साथ ये थोड़ा सा इशू है। ओके, इसको एक दफ़ा हम सर्च कर देते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट मैंने सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, ओके, तो सबसे पहले मुझे एक चाहिए इसके लिए, एक पहले हम ले लेते हैं, मैं इनम्स बना लेता हूँ। इनम्स क्या होते हैं, ये एक हार्ड कोडेड वैल्यू होती है जो हम यूज़ करते हैं इनम, और उसका जिस तरह डायरेक्शन होती है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, इस तरह सेम एज इट ये इनम्स होते हैं। बाकी आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर हमें दो इनम्स बनाएंगे, एक इनम क्लास होगी लेंथ पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे पहला पासवर्ड होगा 8 बिट, 8 लेंथ, सॉरी यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं आएगा, 8 लेंथ, एलियन मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, या मैं 8, कितने कितने की हो, 8, और सेकंड में यूज़ कर लेता हूँ 16, और यहाँ पे सेमी कॉलन आया। वेयर द ऐसे वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड कॉन्स्ट। हाँ, जस्ट अ सेकंड, ओप्स सॉरी, मैं ज़रा एक गलती कर बैठा था यहाँ पे, ये डिलीट बुक मार्क। ओके, तो एक इस पे ये करली ब्रैकेट्स आती हैं, ये दूसरी ब्रैकेट्स नहीं आती, ये मुझे भूल गया था। ओके, तो अभी भी हमारे पास एरर है, और क्या एरर है, इनम मस्ट हैव द बॉडी विद एट लीस्ट वन कॉन्स्ट नेम। तो इसको हम कॉन्स्ट सेट करके देखते हैं क्या इशू होता है, नहीं, वेयर इज़ ओके, तो इनम के हम इक्वल नहीं लगाते और ये एंड पे सेमी कॉलन नहीं आता, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनम्स हो जाएंगे।
ठीक है, एक तो ये है हमारे इसकी जो पासवर्ड की लेंथ वो कितनी होनी चाहिए, 8 और 18। तो इसकी बजाय मैं यहाँ पे 8 और 16 कर देता हूँ, तो ये क्या इशू आएगा मेरे ख्याल में, एक्सपेक्टेड एज आइडेंटिफायर। ओके, 8 लेंथ और 16 लेंथ, ये वाला हम इसको सेट कर देंगे। अच्छा जी, वो गोरे नहीं, इस तरह नहीं कर सकते आप, क्या आप इसको इस तरह कर लें, ये जो है हमारा ये सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह एक ये हो जाएगा। ठीक है, रैप कॉन्स्ट, अब इसके अंदर मैं एक दफ़ा एग्जांपल के लिए, मैं जो है हमारे पास रेडियो लिस्ट आई वो ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं इसको ज़रा एंटर कर देता हूँ, ग्रुप वैल्यूज को एक चाहिए होगी और इसके ऑन चेन के ऊपर इसको कुछ चाहिए होगा। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, हम ये देखते हैं पहले वैल्यू क्या है। लिस्ट ऑफ विजिट, यहाँ पे अब हम क्या देंगे, टेक्स्ट और यहाँ पे आप हम क्या लिखेंगे, वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। क्या हमने टेक्स्ट लिखना है, पासवर्ड 8, यानी कि पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब ये ग्रुप वैल्यू क्या है, ये लिस्ट ऑफ विजिट है, लेकिन ये हम इस तरह नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वार लूँगा, ग्रुप वाल इज इक्वल टू लेंथ पासवर्ड डॉट, ये कर दूँगा। ठीक है, ये क्या एरर दे रहा है। ओके, तो इसका हम कॉन्स्ट जो है वो भाई साहब हम कर देंगे रिमूव, और यहाँ पे हमें स्प्लैश में मिल जाएगा एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट सेट किया हुआ है, तो हम ये कॉन्स्ट रिमूव कर देंगे और इसको की को कर देंगे हम कॉन्स्ट। ठीक है, और मैं होम स्क्रीन के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, होम स्क्रीन के अंदर वार की बजाय मैं यहाँ पे लेंथ पासवर्ड, तो ये भी हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ग्रुप वैल्यू, अब मैंने क्या देना है यहाँ पे, ग्रुप वैल्यू लेंथ पासवर्ड, ओके, इनवैलिड कॉन्स्ट। हाँ, तो वो बोल रहा है कि ये इनवैलिड है क्योंकि आप लोगों ने कॉन्स्ट लगाया था, कॉन्स्ट लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा कॉन्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे ऑन चेंज के अंदर हमें एक फंक्शन इसको चाहिए होता है, ओके दिस, ओके, तो ये जो है ऑन चेंज के अंदर ये एक फंक्शन है और ये हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू। और यहाँ पे मैं ये, अब अभी हम देखते हैं ये हमारे किस तरह का होगा, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग ही आएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, तो होपफुली नहीं स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा लेंथ पासवर्ड, और यहाँ पे मैं ज़रा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, तो होपफुली प्रिंट वैल्यू नहीं, ये इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ फिर एक दफ़ा, ताकि मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा एक दफ़ा, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये देख लूँ, ऑब्जेक्ट 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 प्रिंट यूज़ करता हूँ और डॉट वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमी कलर लगाता हूँ। अब मैं ज़रा इसको हॉट रिल्यूट करके देखता हूँ कि ये मुझे कुछ विजिबल होता है कि नहीं। अच्छा जी, हॉट रिजेक्टेड क्लास कैन नॉट बी लाइब्रेरी, ओके, तो क्लास, हाँ वो बोल रहा है कि आप इसको दोबारा से री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको, हो जाओ। ठीक है, ओके, तो ये लिखा हुआ, हाँ तो टेक्स्ट क्या है, द ओके टेक्स्ट लेंथ ऑफ पासवर्ड 8, जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये गलती होगी, टाइटल, टाइटल के अंदर हमने ये चीज़ देनी थी,
वैल्यू के अंदर हमने वो वैल्यू क्या देनी है, वैल्यू के अंदर हमारे पास ग्रुप वैल्यू ही आएगी, मतलब वो जितनी होगी। अब मैं ज़रा इसको हॉट डिलीट करता हूँ, आप लोग के साथ विजिबल होगा ये सामने। ओके एप्लीकेशन, हाँ तो ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक है ग्रुप वैल्यू ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जैसी एक और बना लेता हूँ, ठीक है, और इसकी जो ग्रुप वैल्यू होगी, ग्रुप वैल्यू डॉट ये इसकी वैल्यू है, और डॉट यहाँ पे मैं करता हूँ, तो मुझे एक सेकेंड जस्ट इसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, वैसे वैल्यू ग्रुप वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ग्रुप वैल्यू के बजाय, अच्छा ग्रुप वैल्यू यहाँ पे पहले मैं ग्रुप वैल्यू लेंथ डॉट, हाँ सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, इस तरह नहीं होना था, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी लेंथ डॉट 16 डिजिट, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, ग्रुप वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं ज़रा इसको रीलोड करके देखता हूँ, तो ये देखे, लेकिन ये अभी इसको चेंज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वो उसको मुझे बता रहा है ये वैल्यू है, आपने इस पे टैप की है, चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो अपडेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। ओके तो ये जो है, मैं ये काम किस तरह करना पड़ेगा कि ये जो चीज है सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं होगी क्योंकि ये स्टेटलेस है, और इसको अब हमने क्या करना है, स्टेटफुल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट स्टेटफुल, तो वो क्या कर देगा, इसको स्टेटफुल में उसने कन्वर्ट कर दिया, अब ये हमारा काम करेगा। स्टेटफुल के लिए हमने इस लोकल स्टेट यूज़ करते हैं, सेट स्टेट करूँगा ग्रुप वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ओके तो ये बोल रहा होगा द ऑब्जेक्ट कांट बी एक्सेस इन द वेरिएबल इन द लेंथ वैल्यू डॉट, हाँ, लेट मी चेक, ओके लेंथ पासवर्ड, ठीक है अब तो ठीक होना चाहिए ना, तो नहीं होना चाहिए, और ये मैं कर देता हूँ लेंथ पासवर्ड, यहाँ पे अब हम कर देंगे नो नल, नल चेक लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज़ हम वैसे सेम एज इट अप्लाई कर देंगे, या इसको एक दफ़ा बगैर अप्लाई किए देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे एरर देगा, और लेंथ पासवर्ड और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ओके तो अगर ये चीज़ ऐसे है, तो फिर इसको ये चीज़ मैं एक दफ़ा रिमूव करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसको मैं ज़रा हॉट रीलोड करता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो जाए हमारे लिए भी। ओके तो 8 पासवर्ड है, और लेंथ ऑफ द पासवर्ड, ओके ये हो रहा है, लेकिन वो चीज़ जो है, ठीक है ये चीज़ कर रहा है, लेकिन उसकी वो चीज़ जो है वो रिमूव नहीं कर रहा, ओके वेयर इज़ द इशू, और क्यों नहीं कर रहा ये रिमूव, ओके पहले ज़रा मुझे इधर पासवर्ड, लेंथ ऑफ द पासवर्ड इज इक्वल टू 16, ठीक है ये चीज़ होगी, ओके हाँ, यहाँ पे भी ग्रुप वैल्यू, यहाँ पे भी ग्रुप वैल्यू, यहाँ पे ग्रुप वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेंथ डॉट पासवर्ड 80, ठीक है ओके ये और ये, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो ये, ठीक है। अब ज़रा मैं और डीलोड करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है,
तो ये देखें, ये जो है हमारी वैल्यूज जो है वो टॉगल हो रही है। होपफुली इस चीज की आपको समझ लग गई होगी। ओके, तो ये हमारी क्यू के लिए रेडियली स्टाइल है, और स्पेस जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं टाइटल, सब टाइटल, ऑटो फोकस, देयर सेकेंडरी सिलेक्टेड, शेप टॉगल, नहीं यहाँ पे इनकी वैसे स्पेस का होता है, वो मुझे भूला पड़ेगा वो स्पेस हम किस तरह सेट करते हैं। चले खैर, एनीवेज ये वाला हमारा काम इतना सा हो गया। ओके, तो ये इसकी यानी कि पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और ये चीज़, ये वाली चीज़ आज हमने सेट कर ली। ओके, तो रैप को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक ये और दो दो, एक तो मेरी ये चीज़ सेट होगी, और यहाँ पे मुझे अब एक चाहिए होगा डिवाइडर। तो ये जो है डिवाइडर आ जाएगा मेरा, इसके अंदर मैं कॉन्स सेट कर देता हूँ, इसको अब मैं ज़रा हॉर रीलोड करता हूँ, तो होपफुली हाँ ये डिवाइडर आ जाएगा मेरा। ठीक है, डिवाइडर आ गया मेरा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, डिवाइडर आ गया, इसी तरह का सेम एज इट रेडियो बटन हमें एक और चाहिए। पहले उसके लिए मैं एक और इनम्स जो है मैं वो बना लूँ, टाइप पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा, और यहाँ पे होगा नंबर, इसके अंदर नंबर हो यानी कि पासवर्ड किस टाइप का, नंबर स्ट्रिंग नंबर हो, उसके अंदर नंबर होने चाहिए, और ABC अल्फाबेट, अल्फाबेट स्पेल को काइंडली इग्नोर कीजिएगा, अल्फाबेट होने चाहिए या मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मिक्स में क्या होगा, हमारे पास जो नंबर की वैल्यू होगी और अल्फाबेट को होगी, इन दोनों को प्लस करके हम जो है ना, मतलब एक दूसरे के अंदर ऐड करके एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे, और उसके थ्रू हम इसको जनरेट कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, टाइप पासवर्ड, ये चीज़ हो गया हमारा। अब हमारे पास एक सेकेंडरी ग्रुप वैल्यू होनी चाहिए, और ये हमारी इनम का क्या नाम था, टाइप पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, और इसका होगा पासवर्ड ग्रुप इज इक्वल टू, इसकी बाय डिफॉल्ट जो हो जाएगी टाइप पासवर्ड डॉट अल्फाबेट, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये इन दो हैं, इन दोनों को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इधर। ओके, तो ये इशू मुझे देगा, क्यों देगा भाई। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया इशू। ठीक है, ओके, तो अब इनकी ये ग्रुप वैल्यू जो है ये नहीं होनी चाहिए, टाइप पासवर्ड डॉट अल्फाबेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप पासवर्ड टाइप का होगा। ठीक है, और अभी भी वैल्यू पासवर्ड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी पासवर्ड ग्रुप। ठीक है, तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह ये वाला काम कर रहा हूँ। अभी मैं हम इसको स्टैटिक कर देंगे, वो इस दूसरी साइड पे मैंने जो दूसरा तरीका किया था, ये आज के लेक्चर में कर दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर कर दूंगा। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर दूँ, और हेयर कंट्रोल डी, तो इसकी ये डुप्लीकेशन हो जाएगी। ओके, एक चीज़ गलत कर दी, पासवर्ड कॉन्टेन ओनली नंबर, पासवर्ड सिर्फ नंबर्स का होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ,
पासवर्ड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ये मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों के, कि ये ना बोलना कि सर के स्पेलिंग होगी मिस्टेक, ये एक मेरी मिस्टेक है जो बचपन से ही मेरे साथ चल रही है। ओके, इसको कंट्रोल डी, कंटेन बोथ नंबर अल्फ़ाबेट, यानी कि पासवर्ड वो जो इसके अंदर पर, ठीक है। अब इनकी ग्रुप वैल्यू की जो है हमने वो चेंज करनी है, ठीक है। अब आप ये डॉट, ये मिक्स में यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये सेकेंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। होपफुली ये इतना आप सबको समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या किया है। तो मैं ज़रा इसको हॉट रीलोड करता हूँ, तो ये क्या चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से ये सेट हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको ये सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और यहाँ से ये चीज़ सेट हो जाएगी। इतना आपको लोगों को होपफुली समझ आ चुका होगा, तो बाकी का काम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, तो ज़्यादा लेंथी लेक्चर को देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला इतना काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी का काम हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को फ्लटर के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और लेटेस्ट विजेट्स वगैरह के बारे में मेरी वीडियोज़ आती रहती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।